नमस्कार, मैं प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां जॉब कांड के मुख्य आरोपी तिलक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, तिलक सिंह फरार हो चुका था, गोरखपुर से मुजफ्फरपुर की पुलिस ने दबोचा है। और जिस तरीके से जॉब कांड का ये पूरा मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर से, हरकंप मचा हुआ है, क्योंकि मुजफ्फरपुर का जॉब कांड पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। आरोप है कि नौकरी के नाम पर झांसा देकर सैकड़ों लड़कियों को बंधक बनाकर यौन शोषण उनका किया जाता है, जबरन पिटाई की जाती है टास्क नहीं पूरा करने पर। लेकिन इस बीच मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा है कि पुलिस को ऐसा कोई अब तक क्लू हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के सीनियर जो पुलिस अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे, जरा वो सुनी। मतलब अनमेरिड लड़कियां रहती है और सामने नहीं आती, तो पुलिस अपने स्तर से कहीं स्थिरता तो बरत नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें FIR हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकारनाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। जबकि नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ कोई दूसरी नहीं। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और FIR की है, क्योंकि उस टाइम पर भी लड़कियाँ आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको बहुत ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पर बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। SIT का इसमें गठन किया गया है, SDPO टाउन चुके हैं। अभी तक के उसमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें आगे बिल्कुल उसमें जांच होगी। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। वहाँ से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। तो मुजफ्फरपुर के जॉब कांड की चर्चा देश में हो रही है, और इस पूरे मामले को लेकर जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। एक पीड़िता ने FIR दर्ज कराया और थाने में मुकदमा नहीं हुई, कोर्ट जाकर जो है वो केस दर्ज कराई और ये मामला थाना पहुंचा, और इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इस सब के पीछे पुलिस के नाक के नीचे कौन था वो जो चला रहा था ये DBR कंपनी, कई ऐसे सवाल है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट आज रात 10 बजे देखना ना भूले आप टुडे बिहार न्यूज पर। धन्यवाद।